एक बार की बात होती है जब वहाँ पर उनके यहाँ पर वार छिड़ जाती है, और इस वार में डीमंस जो है राक्षस में बदल जाते थे, और जो राक्षस है वो आत्मा में बदल के इधर उधर भटकते रहते हैं जंगलों में। इनमें से एक क्रिएचर काले रंग का सांप भी होता है, जो अपनी पहचान को बचाने के लिए सिर्फ झाड़ियों में छिपने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। एक दिन वो एक इमोर्टल से मिलता है, जो कि वहां पर सारी बुरी आत्मा को भगाने के लिए आया होता है। वो इमोर्टल इस काले सांप को देखता है। इस इमोर्टल को लगता है कि सांप में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है आगे कुछ कर जाने का, तो वो उसमें अपनी सारी शक्तियां दे देता है, और सांप उन सारी शक्तियों को अब्सॉर्ब करने लगता है। तभी से इस सांप का नाम यीमू हो जाता है, और ये बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। इसके साथ में जितने भी जानवर होते हैं वो भी इसके साथ बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं, और स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं अपने अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाता है, वैसे वैसे कुछ और भी होता जाता है। इस सब में वो किसी डीमन को अट्रैक्ट कर लेता है, और वो डीमन के अट्रैक्ट होने से सब कुछ, उसका जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी वो गेन कर रहा होता है, वो सब कुछ बिगड़ जाता है। ये बात यूनु को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। यूनु इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है, और वो डिसाइड करता है कि वो सारे डीमन्स का अंत कर देगा, और वो गुस्से में आके सारे डीमन्स को मार डालता है। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है। बारिश जोर से शुरू हो रही होती है, और तभी दूसरा इंसान पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा। तभी यीमू बताता है कि मैं यहाँ पर बस तुमसे मिलने आया हूँ, और वो दोनों चेस खेल रहे होते हैं। क्वीन बोलता है कि घर वही होता है जहाँ दिल होता है। कागज पे लिखे हुए शब्द को यीमू देखता है और बोलता है कि सांप का कोई घर नहीं होता है, सांप होमलेस होते हैं। क्वीन सोचता है कुछ बोलने का, लेकिन इससे पहले वो बोलता, तभी सरपेंट बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्वीन बोलता है क्या, और फिर बोलता है कि रुको 1 मिनट के लिए। क्वीन जल्दबाजी में उठता है और थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। यीमू उसे पकड़ लेता है और उसे होल्ड करता है, स्टडी करके उसे अपने पास रखता है। तभी क्वीन पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए और कहाँ जा रहे हो। यीमू कागज पे लिखता है कि उसे एक चीज है जो 200 वर्ष पहले खो गई थी, उसे वो उसको रिट्राइव करना है, इसलिए वो बाहर जा रहा है। क्वीन भी पेपर पे लिखता है और बोलता है कि वो उसे मिस करेगा। यीमू बोलता है कि यदि तुम्हें लोनलीनेस से डर लगता है तो मैं तुम्हें एक दो गॉबलिन भी दे सकता हूँ। क्वीन बोलता है कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हारे जैसा दोस्त होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यीमू क्वीन की तरफ देखता है और सोचता है। यीमू क्वीन को बोलता है कि जाने का वक्त हो गया है, और वो जाने लगता है। तभी क्वीन बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। कभी भी मैंने तुम्हारा असली रूप नहीं देखा है, हमेशा तुम इनविजिबल होके ही मेरे से मिले हो, क्या तुम मुझे अपना असली रूप दिखा सकते हो। यीमू पीछे मुड़के देखता है, और तभी क्वीन को लगता है कि शायद वो उसको अपना असली चेहरा नहीं दिखाएगा, उसे थोड़ा नर्वसनेस लग रही होती है। यीमू क्वीन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या सही में उसे अपना चेहरा उसे दिखाना चाहिए। जैसे ही वो अपना रूप बदल के आगे आता है, यीमू को ब्लश होने लगता है, और यूनु को खांसी भी हो जाती है अचानक से, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि वो इतना सुंदर होगा। तभी वो कागज पे लिख के बोलता है कि तुम वैसे ही हो जैसे मैंने तुम्हें इमेजिन किया था, और तभी यूनु बताता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा है, इससे पहले किसी ने नहीं देखा। इसी के साथ दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, और वो आगे चला जाता है। क्वीन बैठा होता है, तभी उसकी एक सर्वेंट आती है और उसे गर्म कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, और साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि यूनु को गए हुए काफी दिन हो गए हैं, और उसके बिना उसका मन नहीं लग रहा है, वो उसे मिस करने लगता है। सर्वेंट पीछे कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन क्वीन अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया होता है। रात का अंधेरा हो जाता है, क्वीन अकेला बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि शायद मुझे यीमू के बारे में सोचना सच में बंद कर देना चाहिए, और अपने साथ चैट करने के लिए शायद कुछ गॉब्लिन्स को ही अपने साथ रख लेना चाहिए। तभी उसे खांसी आ जाती है। क्वीन चांदनी रात में व्हील चेयर पे बैठा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है, और अपने मन में सोचता है कि क्या यीमू तुम मुझे सुन सकते हो। वो बार बार अपने मन में यीमू को पुकारने लगता है कि मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। क्वीन दूसरे दिन आटा मार रहा होता है किचन में, क्योंकि आज लेडी शीन का बर्थडे होता है, और वो उसे बर्थडे के लिए पेस्ट्री केक प्रेजेंट करना चाहता है। इसीलिए वो आटा मारते मारते अपने सर्वेंट से कहता है कि जाके पेस्ट्री डो की तैयारी करो। सर्वेंट बोलती है कि यंग मास्टर अपने हाथों से पेस्ट्री बनाना चाहते हैं लेडी शीन के लिए।
क्वीन किचन में पेस्ट्री डो को बेल रहा होता और सर्वेंट अपने मन में सोचती है कि शायद उनकी बनाई हुई पेस्ट्री लेडी शिन को अच्छी लगेगी, लेकिन उन्हें थैंक यू के अलावा कोई भी अप्रिसिएशन और नहीं मिलेगा। क्वीन एक मेल सर्वेंट को नूडल और सूप देता है और बोलता है ये काफी गर्म है, इसे तुम गिरा मत देना। क्वीन ये भी बोलता है कि ये सूप और नूडल मेरी माँ को देना और बोलना कि मैं खुद डिलीवर करने नहीं आ सका। मेल सर्वेंट बोलती है कि आपको ऐसी कौन सी बात है जो रोक रही है कि आप खुद अपनी बनाई हुई चीजें अपनी माँ को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। क्वीन कुछ अपने मन में सोच रहा होता है और हाथ हिलाकर अपनी सर्वेंट को जाने के लिए कहता है। मिड ऑटम फेस्टिवल आ चुका होता है और इस फेस्टिवल में किसी क्रेनी नाम की औरत ने उसकी जान बचाई थी और अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई है और वो सामने मिड फेस्टिवल के आगे खड़ी हुई है। खाने का टेबल सज चुका होता है। क्वीन और एक लड़की दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तभी वो लोग बोलते हैं क्या क्रेनी के साथ इसकी शादी की जा सकती है। क्वीन चुपचाप सुन रहा होता है। मेड सर्वेंट आती है और बोलती है कि ठंड काफी बढ़ रही है, मुझे यंग मास्टर को ले जाना चाहिए। वो यंग मास्टर को कमरे में ले जाती है, लेटाती है और उसको एक चादर से ढक देती है। क्वीन को ढकने के बाद जो मेड सर्वेंट है वो दरवाजा खोल के आगे की ओर बढ़ती है और जाने लगती है। क्वीन सोचने लगता है कि फेस्टिवल आ चुका है, यहाँ सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इस वक्त यीमू कैसा होगा। यीमू को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, पता नहीं वो किस हाल में होगा, शायद मुझे इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। क्वीन को एक आवाज आती है, क्वीन क्वीन, और वो अचानक से जाग जाता है और वो देखता है कि उसके आगे यीमू आके खड़ा हुआ है। यीमू कहता है कि मैं पिनेक्स गार्डन में था जहाँ पर तुम हमेशा आते थे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम वहाँ आते थे इतने सालों से, और देखो अब मैं ह्यूमन का शेप भी ले सकता हूँ। यीमू का हाथ क्वीन के कपड़ों में जाता है और क्वीन अचानक उसकी तरफ देखने लगता है और यीमू बोलता है कि मैं यहाँ पर आज तुम्हारा काइंडनेस जो है उसे पे करने के लिए आया हूँ। क्वीन को एहसास होता है कि ये सिर्फ मात्र एक सपना है और लेकिन फिर भी ये उसे रियलिटी की तरह लग रहा है क्योंकि यीमू उसके ऊपर आके लेटा हुआ है। क्वीन सपने में ये सब कुछ देखता है कि यीमू उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और कह रहा है कि बस इस पल को एंजॉय करो, इसके अलावा कुछ और मत सोचो। यही सोच के जो क्वीन है वो एक आह भरता है और फिर उसके बाद उनका ये सपना खत्म हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि ये मात्र एक सपना था तो उसे बहुत ब्लश फील होता है, उसे शर्म आ रही होती है और उसे ये भी लगता है कि यीमू तो इतनी जल्दी आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसका दिल यीमू के लिए इस तरह के विचार सोचने लगता है। तभी वो उठता है और नहाने जाने के लिए तैयार होता है। वो टब में नहाते नहाते फिर भी वो यीमू के बारे में ही सोचता है और सोचता है कि यीमू अब कब आएगा। उस रात के बाद क्वीन सूखी ठंडे पानी में नहाता है, इसलिए उसे सर्दी लग जाती है और बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। मेड सर्वेंट बहुत कोशिश करती है क्वीन को खाना खिलाने की, लेकिन सब कुछ वो बाहर उल्टी कर देता है और ये हालत देखते हुए मेड बोलती है, यंग मास्टर आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। क्वीन कुछ कहता नहीं, सिर्फ बिस्तर पे अपना मुंह ढक के लेट जाता है। जब क्वीन लेटा होता है तब मेड को बोलता है कि शायद मैंने रात में ज्यादा पी ली थी और मुझे ज्यादा नहीं पीना चाहिए था। क्वीन सोचता है कि जो होना था वो तो हो ही गया, अब वो बीमार हो गया है, उसे हर जगह यूमू ही दिखाई देता है, उसे ज्यादा यूमू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी वो यूमू का चेहरा देखता ही चला जाता है और तभी उसके सिर के ऊपर कोई हाथ रखता है और उसे लगता है कि किसी ने उसके सिर पे हाथ रखा। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि यूमू उसके पास खड़ा हुआ है और उसके सिर पे हाथ लगा रहा है। तभी क्वीन बोलता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम आ गए। यीमू बोलता है कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई। क्वीन यीमू की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन यीमू जो है क्वीन को गोदी में उठाता है और आगे बढ़ जाता है। उसको गोदी में लिए हुए वो आगे जाने की तैयारी करता है और जाते हुए वो एक अच्छे से स्पिरिचुअल बात वाले एरिया में पहुंचता है, जहां पर वो क्वीन को बोलता है कि ये यहाँ पर बात लेने से जो भी तुम्हारे अंदर बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। क्वीन सोचता है कि यहाँ तो पेपर नहीं है ना ही पेन है, मैं कैसे लिखूंगा। लेकिन यीमू उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ठीक करने में मदद करूंगा, और वो उसके गले पे हाथ लगाता है और तभी उसको क्वीन को कुछ थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है, लेकिन उसके बाद वो खांसने से लगता है और उसकी आवाज अब वापस आ चुकी होती है, अब वो बोल सकता है। क्वीन यीमू की तरफ देखता है और यीमू जो है वो ऊपर चांद की तरफ देख रहा होता है
क्वीन देख के बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें फिर से देख सकूंगा। क्वीन बोलता है कि ये बात किसी को मत बताना कि मैं अब फिर से बोलने लगा हूँ और मैं बोल सकता हूँ। क्वीन कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि ये हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी को ये बात पता चले क्योंकि मैं सारे ट्रबल से दूर रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक पीसफुल लाइफ को बिताना चाहता हूँ। यीमू बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। यीमू पूछता है कि आखिरकार तुम इतने बीमार कैसे हो गए। क्वीन बोलता है कि मैंने खाना खाया था, कोल्ड बाथ लिया और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैं बीमार पड़ गया। यीमू कहता है कि तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। क्वीन उसकी तरफ देखता है और फिर कुछ बोलता नहीं है, बस यीमू की बातें सुनता है। यीमू बोलता है कि इस स्पिरिचुअल वाटर में नहाने की वजह से तुम ठीक हो जाओगे। क्वीन बोलता है कि देखो सनराइज हो रहा है। क्वीन यीमू की तरफ देखता है और सोचता है कि वो कितना सुंदर दिख रहा है। यीमू भी सनराइज की तरफ देखने लगता है। क्वीन यीमू की तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और जैसे ही फिसलता है वो नदी के अंदर डूबने सा लगता है। तभी क्वीन की नजर जाती है यीमू के एब्स के ऊपर, वो उसके एब्स को देखता है। इसी तरह क्वीन अपने आप को संभालता है और अपने आप को संभाल के स्टडी करता है लेकिन वो डायरेक्ट जाके यीमू के फेस टू फेस आके खड़ा हो जाता है। क्वीन थोड़ा सा शॉक सा हो जाता है ऐसा होने की वजह से। तब वो यीमू को कहता है कि इतने समय के बाद भी, तुम्हें देखने के बाद भी मेरे दिल में थोड़ी गुदगुदी सी महसूस होती है। क्वीन ये सोच के उदास हो जाता है कि आखिरकार यीमू तो एक सांप है जो इंसान का रूप ले सकता है। ये सोचता है कि क्या यीमू को भी वैसा ही फील होता है जैसा उसे फील होता है, क्या वो उसे अपनाएगा। क्वीन यीमू के जस्ट पास जाके खड़ा होता है और सोचता है कि मुझे लगता था कि आदमी की थोड़ी बहुत ही डिजायर्स होती हैं, लेकिन जब भी मैं यीमू को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी डिजायर्स अनलिमिटेड हैं और मुझे बहुत कुछ चाहिए। क्वीन मन ही मन सोचता है कि मुझे अपने आप को काम डाउन करना चाहिए, नहीं तो मेरे विचार जो हैं वो यीमू को पता चल जाएंगे और ये ठीक नहीं होगा। तभी उसे आवाज आती है क्वीन, यीमू उसको पुकारता है और तभी क्वीन जो है वो पीछे पलट के यीमू की ओर देखता है। यीमू उठता है और क्वीन की तरफ जाके बढ़ता है और उसकी आंखों में देख के बोलता है, ह्यूमन और डीमंस का जो वर्ल्ड है वो दोनों ही अलग अलग होता है, वो एक जैसा वर्ल्ड नहीं होता है। क्वीन यीमू की तरफ देखता है और सोचता है कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो जाता है अपने बिस्तर में जाके लेटता है और सोचता है कि क्या वो उसे वाकई में ऐसा रिलेशनशिप चाहिए। दूसरी तरफ मेड भागते हुए कहती है, यंग मास्टर जैन आप थोड़ा स्लो भागिए, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, आप गिर जाएंगे। जैन क्वीन के घर घर की तरफ बढ़ जाता है और वहां पहुंचता है, बोलता है देखो भाई मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। जैन क्वीन को ग्रीटिंग देता है और पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या अब तुम्हें बेटर फील होता है। क्वीन जैन को देखने के बाद अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और तभी जैन आके अपना सिर क्वीन के घुटनों पे रख देता है। क्वीन अपने हाथों से जैन के सिर पे सहलाता है और पूछता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो और अब तुम बहुत सुंदर भी दिखाई देते हो, अब तुम पहले की तरह सिली बॉय नहीं रह गए हो। जैन भी हंस के जवाब देता है कि हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। क्वीन अपने मन में सोचता है कि ये एक मेरा भाई है, सिर्फ ये एक लौता ही मेरा भाई है, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूल सकता कि जिस कंडीशन में आज वो है वो भी इसी भाई की वजह से इस कंडीशन में है। 20 साल पहले की बात है जब लॉर्ड शीन के यहाँ पर दूसरा बच्चा पैदा हुआ था। लॉर्ड शीन कहते हैं कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में एक बड़ी पोस्ट पे जाएगा इन फ्यूचर में, और जो मेरा छोटा बेटा है वो मेरे साथ रहेगा पैलेस में और उन पैलेस में मेरे साथ रह के पैलेस की देखरेख करेगा। लॉर्ड शीन अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हें मेरा ये अरेंजमेंट कैसा लगा, क्या ये सही रहेगा। लॉर्ड शीन की पत्नी बोलती है, ये क्या बकवास बात कर रहे हो, नॉनसेंस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने बड़े बेटे को ही फेवर करोगे, मेरे बेटे का क्या जो अभी छोटा है। अपने मन में सोचती है कि मुझे आप किसी भी तरह अपने बेटे का फ्यूचर सेव करना चाहिए। मिसेस शीन चूंकि क्वीन की सौतेली माँ है तो वो दूसरे ही दिन नैनी को बुलाती हैं और उनके हाथ में एक पोटली भरी हुई पैसे की रख देती है और कहती हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से क्वीन से छुटकारा पाना होगा। नैनी के साथ क्वीन निकल पड़ता है लेक के किनारे, जहाँ वो दौड़ने लगता है और बोलता है, लुक नैनी मैं कैसा लग रहा हूँ। तभी नैनी अपना हाथ बढ़ाते हुए क्वीन
उसकी तरफ बढ़ती है और क्वीन को धक्का दे देती है। क्वीन की आंखें फट जाती है, क्वीन का बैलेंस डिसबैलेंस होने लगता है और वो तुरंत ही जो नदी होती है उसके अंदर गिर जाता है। नदी का पानी गहरा होता है, क्वीन को तैरना नहीं आता क्योंकि वो बच्चा ही है। क्वीन काफी देर स्ट्रगल करता है लेकिन फिर भी वो डूबने लगता है और तभी कोई उसे बचाने की कोशिश करता है और बचा लेता है। क्वीन को बचाया जाता है और घर पे लेके आया जाता है। क्वीन को देखने के लिए डॉक्टर आता है और वो बोलता है कि इसके पैर काफी बुरी तरीके से इंजोर हो गए हैं और ये अब कभी नहीं चल पाएगा। साथ ही ये भी बोलता है कि सदमे के कारण इसकी आवाज भी चली गई है, अब ये कभी शायद बोल नहीं पाएगा। तभी मिसेस शीन को एहसास होता है कि उन्होंने कितना बुरा काम किया और इसका डैमेज क्या हुआ है। तभी जेन बोलता है कि भाई क्या तुम कुछ सुन भी रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, कि अपनी ही दुनिया में खोए हो। क्वीन प्यार से अपने भाई के सिर पे हाथ फेरता है और कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पे आ गई है, अब तुम रॉयल कोर्ट भी जाओगे, लेकिन वहां पर कई लोग हैं जिनकी नजर तुम पे होगी और वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें बहुत सूझबूझ से काम करना होगा। जीन बोलता है कि हाँ मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा और हमेशा सतर्क रहूंगा, ठीक ठाक काम करूंगा मैं। जीन बोलता है कि भाई तुम मेरा इंतजार करना चाहे कुछ भी हो जाए। क्वीन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यहीं मिलूंगा तुम्हें जब तुम वापस लौट के आओगे। क्वीन बोलता है ठीक है फिर मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। क्वीन खुशी खुशी उसे अलविदा करता है। रात वो चली होती है, मैनर में काफी सन्नाटा होता है। क्वीन जोर से अपनी मुट्ठी टेबल के ऊपर मारता है और सोचता है कि जिस आदमी से मैं प्यार करता हूँ वो मुझे क्यों नहीं देखने आता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ट्रायल चालू ही होने ही वाला है तो उसे मेरे पास आना ही होगा। क्वीन किताब पढ़ रहा होता है लेकिन वो सोच रहा होता है कि यू तुम क्यों नहीं मुझसे मिलने आते, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? जो कुछ उस लेक में हमारे बीच में हुआ क्या उसी की वजह से तुम मुझसे अब मिलना नहीं चाहते हो? क्वीन जिस किताब को पढ़ रहा होता है वो एक फिक्शन किताब होती है, वो भी एक डीमन और इंसान के बारे में होती है। वो सोचता है कि मैं क्यों इस किताब पर विश्वास करूं और वो उस किताब के पन्नों को फाड़ने लगता है। तभी यूमू आ जाता है और क्वीन को कहता है कि तुम अपना गुस्सा किताबों पे क्यों फाड़ रहे हो? क्वीन यूमू को देख के थोड़ा शॉक तो होता है और वो बोलता है कि फाइनली तुम आ गए हो। उसकी आंखों में देखता है और उसे लगता है कि यूमू की आंखें जो है वो पानी की लहरों की तरह एकदम साफ है। क्वीन यूमू से कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि लेट्स बी टुगेदर, अब हमें साथ रहना चाहिए, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? क्वीन